खबर सीधी पेशाब कांड से है, मगर इस खबर में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको। हम दिखाएंगे आपको एक वीडियो जिसमें तथा कथित भाजपाई नेता प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी के बाद भी ऐसी हनक में चल रहा है कि मानो थाने में गिरफ्तार होकर नहीं बल्कि थाने का निरीक्षण करने जा रहा हो। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बाकायदा नेता उर्फ गुंडे के अगल बगल आगे पीछे हर तरफ पुलिस वाले ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई साहब औचर निरीक्षण करने आ पहुंचे हैं। जबकि इसके इधर जब पुलिस आमतौर पर सामान्य आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाती है तो आपने खुद देखा होगा कि जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़ी जंजीरें बेड़ियां डाल दी जाती है उसके पूरे शरीर पर। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या आरोपी आरोपी में अंतर भी होता है? उक्त आरोपी की चाल और बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो नहीं लगता कि उसे किसी भी तरह का डर या भय या पछतावा हो अपने कृत्य से। बहरहाल आप खुद देखिए वीडियो की, आखिर गिरफ्तार होने के बाद भी कोई अपराधी ऐसी हनक के साथ कैसे थाने जा सकता है और इतना हो हल्ला शोर शराबा के बावजूद भी सीधी पुलिस कैसे ले जा सकती है यूं किसी आरोपी को, खासकर जब तब प्रदेश के मुखिया खुद किसी सियासी डैमेज कंट्रोल में लगे हों। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो और आरोपी की हनक भरी मस्तानी चाल को। अंदर मत जाइए आप।